चलेगा ना? क्वेश्चंस रेडी है? तुम मेरा घाघरा नहीं दिखा रहे हो? ब्लैक हार्ट जैसा बाकी जी. सारा खान जो है उनका नया जो म्यूजिक एल्बम है, वीडियो एल्बम, उसके लिए आप शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? या बिल्कुल, आज सारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बडी, और आज उसके वीडियो का लॉन्च है और उसके वीडियो का नाम है ब्लैक हार्ट. एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक कॉस्ट्यूम, यू नो, इसलिए तुम्हारा ज्यादा हॉट ब्लैक क्या हो सकता है? मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है एक्चुअली, मैं को रोक नहीं पा रहा हूं. आई डोंट नो व्हाई तुम्हारा तुम्हारा इसके ईशान की नजर हार्ट पे जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है. यू नॉटी, डोंट डू दिस. सो आई वांट टू से दैट के सारा ने सिंगिंग किया है इसमें, शी संग सो नाइसली, आई लव हर वॉइस एंड वीडियो इज अमेजिंग, स्पेशली हर लुक्स स्पेशल एंड इट्स लुकिंग इंटरनेशनल, एकदम इंटरनेशनल. एग्जैक्टली, आफ्टर सो लॉन्ग एक वीडियो ऐसा इंडिया में आया जो बहुत इंटरनेशनल दिख रहा है एक्चुअल में. सारा इज लुकिंग अमेजिंग इन द वीडियो एंड संग बाय सारा. तो ब्लैक हार्ट जो जितने भी लोग हैं वो ज़रूर देखे भी और सुने भी, बिकॉज आप एक पल में आप जज ना करें, बिकॉज उसे गाना पड़ता है, उसे सिंगिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. एंड उन्होंने पूरा फ्रॉम हर हार्ट इज़ रेड, बट ब्लैक हार्ट किसे कहते हैं, मैं बताऊँ, ब्लैक हार्ट उसे कहते हैं जो पीछे से बिचिंग होती है, जो लोगों की ब्लैक हार्ट होते हैं, यू नो. जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हूँ, अब कितने लोग मेरे पीछे बिचिंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लैक हार्ट. एग्जैक्टली. सो सारा का भी वीडियो ऐसा ही है, वेरी इंटरनेशनल, आई लव इट. डिड यू लाइक इट? ऑफ कोर्स, स्पेशली हर लुक, स्पेशली हर न्यूड लुक इन द कॉटन. वाओ, कॉटन में सारे पूरा न्यूड लुक, आई लव इट. वेरी गट्सी वीडियो, बहुत गट्सी. बहुत आई वांट टू डू, आई सारा आई वांट टू डू कॉटन में, मैं भी एकदम न्यूड लुक करना चाहती हूं. आप फूलों में करना ना? किसमें? फूलों में. फूल तो मैं खुद हूं, मैं कांटों में करूंगी. राखी, आपने भी काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, म्यूजिक एल्बम्स में आप काम कर चुकी हैं, तो इस एल्बम के लिए क्या कुछ टिप्स वगैरह आपने सारा को दी? नहीं, आई डोंट थिंक सो के आई शुड गिव हर टिप्स. शी इज़ हर सेल्फ, शी इज़ ब्यूटिफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंटरनेशनल हर वॉइस. बिल्कुल इंडियन सिंगर नहीं लग रही है. एंड लुक वाइज, हर फेस वाइज, हर लुक्स वाइज, हर डांस वाइज, हर पोज वाइज, शी लुक्स इंटरनेशनल. हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडिया अमेरिके वर्ल्ड फेमस है. जहाँ तक अगर बात करें न्यूडिटी की, न्यूडिटी जो न्यूड पोज उन्होंने दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो दिस इज योर ब्लैक हार्ट, आपको न्यूड क्यों दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक हार्ट. यही है वो गाने का नाम. हमें क्यों नहीं दिख रहा न्यूडिटी? हमें करने के लिए उसको फॉरगेट अबाउट द गर्ल, बट शी इज लुकिंग, व्हाई डोंट यू, व्हाई कांट यू सी nude, she's looking so hot, she's looking beautiful, it's not so matter of beautiful, girl, so beautiful. She's looking acha, usme kya dikh raha hai? Kuch dikh raha hai? Kuch nahi dikh raha hai. A half uska body dikh raha hai. She's looking so beautiful, yeah, very artistic actually, very attractive, yeah, and not attractive, very artistic, very attractive. Nudity, she showed herself, yeah, very nicely, yeah, in the video, yeah. Kafi log iska virodh bhi jatayenge, उनको आप क्या संदेश जताएंगे? जताया तो नहीं ना? नहीं, तो अभी तक वीडियो सामने भी नहीं आया है. ओके, तो कौन जताएगी? मुझे तो आप ही लग रहे हो जताने वाले. यू हैव अ ब्लैक हार्ट. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कोई, अगर जो भी उसके खिलाफ जाएंगे, सारा खान के खिलाफ, उसको मुझसे सामना करना पड़ेगा, मुझसे, रेड हार्ट से. जी हाँ, राखी सावंत से कोई भेड़ नहीं सकता. No chance. She's my friend and she has done a hard work. Hey, Sarah's here. Black heart. She is the fantastic singer. I've told you about Black Heart. हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे. Very international voice you have and international video. Especially your looks. And I like your looks. But I like your lyrics also. They ask me what is meaning of Black Heart. I say Black Heart वो होता है जो पीछे से bitching करते हैं. Am I right? Yes. Yeah. And another thing is, आजकल लड़कियाँ भी लड़कियों को नहीं छोड़ती हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनके बॉयफ्रेंड्स को बदलने को लेकर, टू एवरीथिंग दे टॉक अ लॉट. सो एक लड़की को स्लट शेम करने पर ये गाना है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी ज़िंदगी भी बनाया है, जो कि हर लड़की को आई थिंक रिलेट करेगा. सो मच फॉर द सॉन्ग. आई वांट टू से अबाउट सारा, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी नाइस गर्ल, एंड द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इज राखी सावंत. लाइक
She doesn't have black heart. Another thing, she doesn't have jealousy. जो कि हर किसी में होती है. और ये इंसान अपनी दोस्तों की दोस्त है, दोस्तों के लिए जान देती हैं, दोस्तों को चाहती हैं कि वो जितने अच्छे दिख सकते हैं उतने दिखें. और हर लड़की ऐसा नहीं करती, हर लड़की आगे बढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती. शी इज द वन जो दोस्तों की दोस्त है, दुश्मनों की दुश्मन है. तो बच के रहना. कैन यू सिंग योर सॉन्ग प्लीज? या ओके सर. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਾਰਟਡ ਕਹਿੰਦਾ. ਵਾਓ, ਲਾਈਕ ਬਿਕੋ ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਆਈ ਲਵ ਯੂਰ ਲਿਰਿਕਸ. ਯੂ ਨੋ ਆਪਨੇ ਅਬ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਮੇ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਪਲਸ ਆਪਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਮੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਆ. ਕਿਆ देखिए, मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक मुझे मूवी का कोई ऑफर नहीं आया. तो लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह. आई होप दैट हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे. एंड आई डोंट वांट टू बी द वन हु विल से ओ मेरे पास ये ऑफर है वो ऑफर है. आई वांट टू से अक्षय, शाहरुख, सलमान, प्लीज साइन हर फॉर योर मूवी बिकॉज शी इज द बेस्ट. लुक एट दिस. यस, हु डज दैट? Who does that for anybody? Especially after Black Heart. Dude, she's a sweetheart, man. I don't care. Okay, if she doesn't do what she does, she will not be who she is. Oh, wow. Guys, yeah. She is the one who had guts to do whatever she did. And I love her. I truly love her. Thank you. Sir, what kind of preparation do you need to do for this video album? To make this video album, you need to do a lot of money because I've done all the money. तो पैसे की तैयारी बहुत करनी पड़ी. बाकी फैसल मियां फोटो वाले जो मेरे भाई हैं, एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो. कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है. तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी? व्हाई? आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए. तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? Why not? Very true, so I'm so sorry to say that. आपने पर्दा किया है कॉटन से? अरे कॉटन से पर्दा किया है. I am Muslim myself and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है towards those people जो खड़े हो जाते बुरखा बुरखा बुरखा. अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो. तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरके आदमियों को पहनाऊंगी मैं. एग्जैक्टली, आंखों पे सालों को अंधा कर दो. माय गॉड. पंजाब में क्या हुआ था इंसिडेंट? नथिंग. मैं द ग्रेट खली जी के रेसलिंग में मैं गई थी. मैंने बहुत इंजॉय किया पंजाब में, बहुत मज़ा आया. बस सिर्फ मेरा वो उन्होंने इंग्लिश में बोला था एक रेसलर ने, रेबल ने, कि इज देर इज इन इंडिया एनी वन हु कैन चैलेंज मी, हु कैन कम इन द रिंग. मैं ये भूल गई उसने पिटाई के बारे में नहीं बोला था. आई थॉट उसने कहा था कि डांस करने के लिए. सो यू नो, मगर सोचे समझे मैं रिंग में चले गए. मैं आके डांस वांस किया और मुझे पता ही नहीं चला है उसने मुझे सारा कब उठा लिया कब पटक दिया. आई डिडंट नो दैट. और जब मुझे चोट लगी मैं होश में आई तब मैं पता नहीं कहाँ थी. और जब मैं होश में आई तो पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही थी कि तुम रिंग में गई क्यों. Even asking, I'm asking myself, yeah. कि मैं रिंग में गई क्यों? That time I didn't really understand what the fuck they were trying to say. मेरी किस्मत मत मारी गई थी, but actually whatever it is, मैंने चैलेंज तो लिया. Accepted. और next time जब मैं दोबारा शो में जाऊंगी, so I'll take revenge. I mean, मैं रेबेल को पटक दूंगी. No comments on this. Sorry. Let's talk about her. Black Heart. क्यों नहीं करेंगी? हेलो, ये क्वेश्चन भी मत पूछो. ऑफ कोर्स मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं. बाय द वे, आई एम मेकिंग अ सॉन्ग ऑन हर. ओह वाओ, शी विल बी फीचर्ड इन दैट एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माय सेल्फ दैट सॉन्ग. बस आप कर लीजिएगा प्लीज. अरे मेरी जान, मैं एक टांग पे खड़ी हूँ. देखो मेरे टांग पे कैमरा डालो. सी ऑन टांग, वन टांग, एक टांग पे खड़ी हूँ करने के. आई लव दिस वुमन मैन. क्या हुआ राखी मैम?
जब पूछा गया कि राखी सावंत के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो वो इस तरह से बोले कि कौन है राखी सावंत, मैं किसी राखी को नहीं जानता। कौन, किसने बोला ये? अनूप जलोटा ने। एक सेकंड, अनूप जलोटा ने ही बोला था राखी सावंत भी अगर आएगी तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। और अनूप जलोटा अगर अब ये बोल रहे हैं तो हम सॉरी अनूप जलोटा जी, आपको थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे काम करना पड़ेगा। व्हाट्स रॉन्ग विद योर जल, योर लोटा इज वन इंसिडेंट। आई हैड वन इंसिडेंट, आई वाज इन लंदन शूटिंग फॉर समथिंग एंड देयर दे बिकॉज द कैमरा वाज देयर सो दे थॉट दैट आई एम एन एक्टर, सो दे सेड ओह यू आर एन एक्टर। आई सेड या। दे वर लाइक फ्रॉम वेयर? आई वाज लाइक फ्रॉम इंडिया। Like, oh wow, we know only two people from India. I was like, great, who all are they? They said Amitabh Bachchan and Rakhi Sawant. Oh my god. Oh. Wow. In London. I'm talking about a localite of London. A shopkeeper said respect me. So jo bhi karke Rakhi Sawant ka naam hua hai, guts se usme jo usne apna naam banaya hai, naam kya hai, and I respect that. And everybody knows Rakhi Sawant in India. Nobody can say that I don't know Rakhi Sawant. Wow. I'm really sorry for that. Thank you. And I do respect Anup Jalota ji. So Anup Jalota ji, I just want to say, you don't know me, तो आपको दुनिया में कुछ नहीं पता। I'm sorry. वो आप भूल गए। आप भूल गए कि आप मुझे म्यूजिक सिखाना चाहते थे, आप मेरे साथ डेटिंग करना चाहते थे। ये तो मैंने भी देखा है। मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ अनूप जलोटा जी का, लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू क्योंकि ट्रेंडिंग पे था तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, और वहाँ उन्होंने बोला था भाई मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि सबको संगीत सिखाऊं, अगर राखी सावंत भी मेरे पास आएगी तो मैं सिखा दूंगा। अभी राखी सावंत को कैसे नहीं जानते? ये तो अनूप जलोटा जी जो राखी सावंत को संगीत नहीं सिखाना चाहते, उसके साथ शावर लेना चाहते हैं। एंड आई एम नॉट शावर अली अंदर है। शावर अली अंदर है। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा हो गया। बाय 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 बाय। ओके गाइस, थैंक यू। बाय बाय बाय। फाइनली। ओके, पटकी गई, मेरी कमर में चोट आई, फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो सॉरी आई कांट हेल्प। वो शो हम लोग भी एक साथ कर चुके हैं, अगर वैसा वो नाटक होता तो पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए राखी सावंत को एट दिस मोमेंट ये नाटक करने की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए। नहीं, वो ऑलरेडी इतनी फेमस है, उसको टांग तोड़ के फेमस होने की जरूरत नहीं है। Yes, because I don't do controversy. I never do controversy. I don't do. की बात करें, top three में किसी से chances लगने दे आप? Top three में? I feel Shrishant. Shrishti. I feel Deepika. Deepika. Yeah, they are really strong contenders. Yeah, exactly. Okay. Yeah. Jasleen bhi kafi acha khel rahi hai. Jasleen bhi bahut acha kar rahi hai. Jasleen ka I can't say that wo top finals mein ja sakti hai. But she's hot. But she's hot. Yeah, she's great. She's very hot. She's a great singer. Great singer, yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Wow. Saru, come in the middle. Yes, come in the middle. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.